ओए पक्के पैरों का रहा बंदा सिंह बहादुर दे ओए देनिया होए नालेट खड़का मोदिया होए तू देखी दिल्ली किदा पैंदा का मोदिया होए। सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए क्या शाम और क्या सुबह दोनों बस वक्त के पहलू हैं, क्योंकि यहां पर हर वक्त केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कानूनों के खिलाफ आवाज सुनाई देती ही है। 20 दिन गुजरने के बाद भी न तो इनके जोश खरोश में कोई कमी देखी गई है और न ही इनके द्वारा परोसे जा रहे लंगर में। दिन के वक्त भले ही ये किसान सिंघू बॉर्डर पर आपको ऐसे ही प्रदर्शन करते नजर आएंगे, लेकिन शाम के बाद ज्यादातर ये प्रदर्शनकारी अपने सिर ढकने के लिए लाए गए ट्रैक्टर में जाकर रात गुजारते दिखेंगे। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी के लिए ये ट्रैक्टर फिलहाल एक शेल्टर होम बन चुका है। रंजीत सिंह का ये परिवार जलंधर से आकर पिछले 20 दिनों से किसान कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। भले ही मोदी सरकार आरती पर लगाम लगाने के खिलाफ कानून लाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन रंजीत सिंह का इस मामले पर क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में ना जो आरती की एक इमेज है ना, वो बहुत ही गलत पोर्ट्रे हो रखी है जो सरकार कर रही है। आरती को एक तरह से वो ब्रोकर और दलाल के रूप में प्रेजेंट कर रही है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि किसान के पास वो एक्चुअली किसानों का एटीएम है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो किसान किसी भी टाइम उससे पैसा ले सकता है और बाद में उसका मोल जो है अपना धान के जरिए वो चुका सकता है, और वो बिल्कुल ही मिनिमम यू नो जो सर्विस चार्ज होता है वैसा टाइप का ही वो चार्ज करते हैं जब भी किसान को अपना धान या चावल या गेहूं जो भी बेचना होता है मंडी में। तो उनकी जो इमेज सरकार गलत पोर्ट्रे कर रही है, अगर वो चला गया तो उसका भी बहुत नुकसान है। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन में शामिल वीरेंद्र जी के मुताबिक इस देश में किसानों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है इस देश के बड़े उद्योगपति से। मान लो एक आदमी है, उसके पास पैसा है कि वो सारी दुनिया सारे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर कर सकता है, और वो आदमी कौन है? अंबानी, अंडानी, टाटे, बिरले, है ना, जाइए। तो उसने क्या किया, अनाज खरीदना शुरू कर दिया प्राइवेट मंडी के जरिए, मार्केट से ज़्यादा रेट दिया। सरकारी मंडी में हमें 1800 मिल रहा है, उसने 2000 दिया, हमने दे दिया लालच में, जो कि हम रोटी के लिए चलता है, आदमी लालच में आ जाता है, दे दिया। अभी सारा पैसा सारा अनाज किसके पास है? अंडानी के पास, अंबानी के पास। तो वो एक खास पार्टी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो अचानक से एक फतवा जारी होता है इलेक्शन के पास कि अनाज के भंडार तब खुलेंगे जब आप फलाने को वोट देंगे, उसको वोट देंगे। तो क्या गरीब तबका इस बात के बाद अपनी मर्जी से वोट डाल पाएगा? 2 रुपए किलो की कनक के लिए हमारे जहां गरीब बहन भाइयों को कुचल कर वोट ले जाती हैं पंजाब में पार्टियां। तो जब खाने के लाले पड़ जाएंगे, है ना, अनाज एक आदमी के पास होगा तो वो कैसे नहीं उसके लिए हम वोट करेंगे? और 30-35% वोट से सरकार बन जाती है, क्योंकि 30-35% लोग तो वोट करते भी नहीं है, बाकी वोटें थोड़े थोड़ों में बंटी होंगी जो इस चीज़ का विरोध करेंगी कि नहीं हम नहीं तुम्हारी मर्जी से डालेंगे, वो बटी होंगी, लेकिन जो दबका भूख के नीचे दबा होगा तो वो तो पा ही देगा ना। तो कहने को वोट राज रह जाएगा, लेकिन वोट वहीं पड़ेगी जहां पर एक खास दर चाहेगी। तो सीधी सी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। मैं हूं व्यापारी, बड़ा तेज दिमाग है मेरा, मुझे बिजनेस अच्छे से आता है। जहां ट्रालियों में बैठे बाबों के दर्शन किए हैं, वो मतलब मैं कौन से लोग हैं, अपने घर में रोटी नहीं होती लेकिन सभा पर लंगर लगा होता है। हमारे पंजाब में चाहे सारी दुनिया को खिलाकर ले जाना, उनकी जेब से पैसे नहीं तूड़ी निकलती है, पैसे नहीं निकलते तूड़ी निकलती है। तो क्या ऐसे व्यापारियों के साथ जब वो सीधी डीलिंग करेंगे तो क्या उनकी चालों को वो समझ पाएंगे, है ना, उनसे वो ट्रेड कर पाएंगे, उनके जाल में फंसते जाएंगे। भले ही मोदी सरकार ने कहा है कि बातचीत का दरवाजा किसानों के लिए हर वक्त खुला है, लेकिन ये किसान अब एक बात पर अड़ चुके हैं कि किसी भी हालत में कृषि क्षेत्र के लिए लाए गए तीनों कानून को वापस ले लिया जाए। तापमान 12%, दिन 20वां, रात के 8 बज रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे ये किसान ऐसे ही बने ट्रैक्टर में जाकर रात बिताने के लिए पहुंच चुके हैं, इसी उम्मीद के साथ कि वो कल फिर उठेंगे और इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।